हाँ जी बच्चों, हमने इकोनॉमिक्स में चैप्टर यूटिलिटी स्टार्ट किया हुआ है और अब हम यूटिलिटी के आज आप सबसे लास्ट पार्ट, सबसे लास्ट क्लास में आज आप हैं। और बच्चे, इस क्लासेस में हम वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी से रिलेट करता है। तो जो लास्ट क्लास आप लोगों ने ली है उसी से बिल्कुल रिलेट करता हुआ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में कैसा आता है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो बच्चे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी, तो जब एक कंज्यूमर एक टाइम पर दो कमोडिटी का कंजम्पशन अगर वो कर रहा है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के सिचुएशन पे कैसे पहुंचेगा। इक्विलिब्रियम तो आप अच्छे से समझते ही हैं कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। तो बच्चे, इक्विलिब्रियम का मतलब कि एक कंज्यूमर जब अपने गिवन इनकम में, अपने लिमिटेड इनकम को जब उन गुड्स या सर्विसेज पे जब वो एक्सपेंड करता है तो वो इस वे में वो एक्सपेंड करता है जिससे उसका टोटल सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो, मैक्सिमम हो। तो टोटल सेटिस्फेक्शन लेवल मैक्सिमम होना ही एक कंज्यूमर का एम होता है। तो हर एक कंज्यूमर चाहता है कि उसके पास जो भी इनकम है, उसका बजट जो भी है, अब कंज्यूमर टू कंज्यूमर डिपेंड करता है ये कि किसका बजट क्या है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब यहां पर ये होगा कि उसका जो भी बजट है, जितनी भी उसकी इनकम है, जो भी उसकी लिमिटेड इनकम है, उस लिमिटेड इनकम में उसके पास में जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं या जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं, उनमें से उस ऑप्शन का सेलेक्ट करना जो कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल दे रहा हो, जो कि बेस्ट आप उसके लिए ऑप्शंस रहे। तो इस सिचुएशन में अगर कंज्यूमर पहुंचता है अपने लिमिटेड इनकम से जहां पर उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल मिल रहा है, उस सिचुएशन को हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्लियर है? अब जैसे फॉर एग्जांपल 1 रुपीज का टॉफी भी, अगर आपको एक टॉफी भी लेना है आपको, तो चार पांच ऑप्शंस आपके सामने है तो आप एकदम से सडनली आप कोई से भी नहीं निकाल लेंगे। आप एक सेकंड के लिए भी जरूर सोचेंगे इस चीज के ऊपर कि मुझे कौन सी निकालनी चाहिए। तो उस गिवन इनकम में या फिर उस गिवन जो भी आपके पास में उस समय बजट है, उस बजट में जो भी ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल है, उन सभी ऑप्शन में से आप देखते हैं कि सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड कौन करेगा, फिर आप उसका सिलेक्शन करते हैं और फिर आप उसको निकाल लेते हैं। तो हम अपने इनकम को इस तरीके से एक्सपेंड करते हैं कि उसमें जो भी ऑप्शंस मेरे पास में, हम सभी ऑप्शंस को एक बार देख लेते हैं और उन ऑप्शन में से हम एनालाइज करते हैं कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि मुझे सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड करेगा। अगर मैं यहां तक पहुंच जाता हूं, देन फिर मैं परचेस करने का डिसीजन लूंगा, जी मुझे ये दे दो। उस परचेस करने के डिसीजन वाले सिचुएशन को ही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिचुएशन कहते हैं। और हमने पढ़ा है इसके ऊपर, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कॉमोडिटी। तो बच्चे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कॉमोडिटी, अब कंज्यूमर अपने गिवन इनकम से टू कॉमोडिटी का कंजम्पशन कर रहा है, टू कॉमोडिटी का वो अपना कंजम्पशन कर रहा है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कैसे आएगा। तो यहां पर भी कंज्यूमर का एम यही रहेगा कि कंज्यूमर जो है अपने आप को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल पर लेकर जाए अपने गिवन इनकम पे। पर इसकी कंडीशन मैंने एक्सप्लेन की है आपको, कंडीशन क्या है कि फर्स्ट कॉमोडिटी से 1 रुपीज में जो भी यूटिलिटी मिल रहा है और सेकेंड कॉमोडिटी से 1 रुपीज में जो भी उसको यूटिलिटी मिल रहा है, इट मींस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कॉमोडिटी इन टर्म्स ऑफ रुपीज एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई कॉमोडिटी इन टर्म्स ऑफ रुपीज। 1 रुपीज में जितने भी सेटिस्फेक्शन लेवल आपको मिलता है, 1 रुपी में आपको जितना भी यूटिलिटी मिलता है, उस नंबर ऑफ यूटिल्स को जो 1 रुपीज में आपको मिल रहा है उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी कहते हैं। तो यहां पर आप दो कमोडिटी का कंजम्पशन कर रहे हैं और आपने ये समझा था कि लास्ट के टू कॉइन से, जो लास्ट के टू कॉइन्स हम एक्सपेंड कर रहे थे उससे हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल क्या था, सेम था, और दोनों कमोडिटी के जो प्राइस थे 1-1 रुपीज थे, है ना। और लास्ट के टू कॉइन, कॉइन नंबर फोर्थ और कॉइन नंबर फाइव पे जो सेटिस्फेक्शन लेवल मिल रहा था वो क्या था, वो इक्वल था। और फिर उसके हिसाब से फिर हमने अपने 5 रुपए का टोटल सेटिस्फेक्शन लेवल करा तो वो क्या था, मैक्सिमम था। तो टू कॉमोडिटी के केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आएगा, यहां पर इंटेंशन वही है कि टोटल सेटिस्फेक्शन लेवल क्या रहे उसका, टोटल सेटिस्फेक्शन लेवल उसका मैक्सिमम रहे। लेकिन टोटल सेटिस्फेक्शन लेवल मैक्सिमम कहां पर रहेगा, इसकी क्या आइडेंटिफिकेशन है, मतलब इसकी क्या कंडीशन है कि किस कंडीशन में ऐसा होगा ही होगा कि उसका टोटल सेटिस्फेक्शन लेवल मैक्सिमम होगा। तो लास्ट के टू कॉइन से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन लेवल 1 रुपीज में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कॉमोडिटी
इन टर्म्स ऑफ मनी एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, जब दोनों इक्वल होंगे तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के सिचुएशन पे आ जाएगा। अब बच्चे आपको ये भी एक्सप्लेन किया है कि हमारे पास में 1 रुपए में कितने यूटिल्स मिल रहा है, इसको हम कैसे फाइंड करेंगे। आपको पता है मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय प्राइस। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एक्स कॉमोडिटी, कोई एक एक्स कॉमोडिटी है, उससे जो मुझे सेटिस्फेक्शन लेवल मिल रहा है MUX, वो 100 यूटिल मिल रहा है, ये यूटिल्स है। और मैंने इस एक्स कॉमोडिटी को यहां पर परचेज, यहां पर 20 रुपीज पे मैंने पे लिया, प्राइस 20 रुपीज है, तो 1 रुपीज में मुझे कितना सेटिस्फेक्शन लेवल मिल रहा है। तो मैं यहां पर 1 रुपीज में सेटिस्फेक्शन लेवल को क्या कहते हैं, 1 रुपीज में कितने यूटिल मिल रहा है, तो 1 रुपीज में यूटिल को हम MUM कहते हैं। और किसका निकाल रहे हैं, एक्स का। तो एक्स का क्या 100 यूटिल, क्लियर है। और डिवाइडेड बाय आप क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय आप 20 करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा आपका, 100 यूटिल्स मिले 20 रुपीज में, तो 1 रुपीज में कितने यूटिल्स मिले, तो 1 रुपीज में आपके कितने यूटिल मिले, आपको 5 यूटिल्स मिले। तो इसको क्या कहेंगे आप, MUM कहेंगे। तो ऑलरेडी डिस्कस है हमारा, मैं फिर भी एक बार आपको थोड़ा सा आपको इस पे रिपीट करके बता देता हूं। MUM ऑफ एक्स कैसे निकाला आपने, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स, तो ये MUM एक्स आ गया। क्लियर है बच्चे, समझ में आया आपको, कोई डाउट। और यहां पर आपके पास में डिवाइडेड बाय क्या है, पी एक्स, तो आपको पता है ये एक्स का हो गया। ऐसे ही अगर आप MUM ऑफ वाई का निकालें तो कैसे निकालेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी आपका वाई से क्या मिला और प्राइस वाई का क्या है, और लास्ट के 2 कॉइन से जब दोनों के दोनों क्या हो जाएं, इक्वल हो जाए, तो कंज्यूमर किस में आ जाएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो बच्चे ये मैंने आपको समझा दिया था, बट आज की क्लास में अगर मेरा क्वेश्चन अगर देखें आप, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, ये चीज तो ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुकी है, बट आज की क्लास में हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चे, आज की क्लास में हमारा क्वेश्चन है, एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने रखा है हमने। आइए जरा इस क्वेश्चन में फोकस करते हैं, और आपको पता है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशंस क्या है। लास्ट के 2 कॉइन से, लास्ट 2 कॉइन से का क्या मतलब है आपका, फॉर एग्जाम्पल देखें जरा आप, ये आपका MUX अपॉन PX, एक्स कॉमोडिटी का 1 रुपीज में कितने यूटिल्स मिल रहे हैं, एंड MUY अपॉन PY, वाई कॉमोडिटी का 1 रुपीज में कितना यूटिल्स मिल रहा है, MUM ऑफ एक्स कॉमोडिटी एंड MUM ऑफ वाई कॉमोडिटी। जब लास्ट के 2 कॉइन से ये इक्वल हो जाए कि एक्स से 1 रुपए में जितने यूटिल मिल रहा है, वाई से भी 1 रुपए उतने ही यूटिल मिले लास्ट के 2 कॉइन से, तो कंज्यूमर वहां पर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अपने गिवन इनकम पे ले रहा था, तो ये कंडीशन हो गई है। अब आइए आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जरा इस क्वेश्चन को हम यहां पर देखते हैं। कंज्यूमर है, लेट MUX इक्वल्स टू PA 25, मतलब कि कोई एक कमोडिटी है, मैं रिपीट कर देता हूं पहले, लेट MUX इक्वल्स टू 25 यूटिल्स एंड PX इक्वल्स टू 5 एंड MUY इक्वल्स टू 30 एंड PY इक्वल्स टू 5 इज द कंज्यूमर इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। आपसे पूछ रहा है कि इस सिचुएशन में क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है, तो क्या कह रहा है आपका, क्या कह रहा है बच्चे आपसे, एक्स कॉमोडिटी से कोई एक कॉमोडिटी है, दो कॉमोडिटी है, उसका नाम है एक्स और वाई। तो एक्स कॉमोडिटी से आपने कंजम्पशन करा, कितने यूटिल मिला आपको, आपको 25 यूटिल्स मिला, और उसके लिए पे कितना करा आपने, 5 रुपीज पे करा। वाई कॉमोडिटी का कंजम्पशन करा तो 30 यूटिल्स मिला, और उसके लिए पे कितना करा आपने, उसके लिए पे आपने 5 रुपीज उसके लिए भी पे करा। क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा, आइए जरा देख लेते हैं 1 रुपीज में कितनी यूटिल्स मिल रहा है। तो आप देखिए, सबसे पहले अकॉर्डिंग द कंज्यूमर विल बी इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब आएगा, व्हेन MUX अपॉन PX 1 रुपीज में एक्स एक्स से कितना सेटिस्फेक्शनेबल मिल रहा है, एंड 1 रुपीज में वाई से कितना सेटिस्फेक्शनेबल मिल रहा है। जब तक दोनों इक्वल ना हो जाए तब तक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा। तो MUX अपॉन PX इक्वल्स टू MUY अपॉन PY, ये लास्ट के 2 कॉइन से दोनों से 1 रुपीज में मिलने वाला सेटिस्फेक्शनेबल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अब आगे क्या है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, अब जो वैल्यू है हमारे पास में, कंडीशन तो ये है जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आ जाएगा। आइए जरा चेक कर लेते हैं क्या ऐसा है।
तो 20 एमयू एक्स क्या आपका 25 अपॉन 5, 30 अपॉन 5, तो ये आपका 5 और ये 6, तो दोनों मतलब कि एक्स कॉमोडिटी से जितना आपको सेटिस्फेक्शन लेवल मिल रहा है और वाई कॉमोडिटी से आपको 1 रुपए में जितना सेटिस्फेक्शन लेवल मिल रहा है वो ज्यादा है। एक्स में 1 रुपए में 5 यूटिल आ रहा है और वाई में 1 रुपए में 6 यूटिल आ रहा है, तो आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तो उस स्टेज पे होता है जब लास्ट के 2 कॉइन से एक्स कॉमोडिटी से भी 1 रुपए में जितना सेटिस्फेक्शन लेवल मिलता है और वाई कॉमोडिटी से भी 1 रुपए में जितना सेटिस्फेक्शन लेवल मिलता है, जब दोनों के दोनों सेटिस्फेक्शन लेवल दोनों यूटिल्स 1 रुपीज में इक्वल होते हैं तब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आता है। बट एक्स पे यहां पर 1 रुपए में आपका 5 यूटिल्स मिल रहा है और वाई में आपका 1 रुपए में 6 यूटिल्स मिल रहा है, तो आपका एम यू एम ऑफ वाई कॉमोडिटी इज ग्रेटर देन एम यू एम ऑफ एक्स कॉमोडिटी, या फिर आप कह सकते हैं एम यू एम ऑफ एक्स कॉमोडिटी इज लेस देन एम यू एम ऑफ वाई कॉमोडिटी। तो यहां पर ये इक्वल नहीं है, तो क्लियर हो गया यहां पर बच्चे बिल्कुल कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के सिचुएशन में नहीं आएगा। तो ये कह रहा है इंप्लाइंग दैट द कंज्यूमर इज नॉट इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं है, यही पूछा था क्या है, आपने आंसर दे दिया नहीं है। ईच कंज्यूमर डिपेंड्स ईच गुड अप टू द पॉइंट एट विच द मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपीज स्पेंट ऑन इट इज सेम, ये डिपेंड उस चीज पे करता है कि आपका 1 रुपीज में मिलने वाला सेटिस्फेक्शन लेवल बोथ कॉमोडिटी से आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके आएंगे जो इतने बड़े बड़े आप थ्योरी पढ़ते हैं तो 3-3 मार्क्स में इस तरीके से वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आपके बना देते हैं बच्चे। क्लियर है, आपको अच्छे से समझ में आ गए, कोई डाउट है तो आप प्लीज आप जरूर पूछें, आप मुझे जो है टेक्स्ट कर सकते हैं, आप लोग बच्चे कम टेक्स्ट कर रहे हैं, आप लोग टेक्स्ट करें, डाउट है पूछे, फीडबैक दें, क्लास अच्छी है तो वो भी बताएं आपकी क्लास कैसी है, क्लासेस में कहां पर आपको डाउट्स है तो आप वो भी पूछे डाउट्स कहां पर है, और होमवर्क भी आप टाइम टू टाइम आप उसको करते रहें और उसको आप भेजते रहें। हां जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर अब हम 14 पे आ चुके हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ टू कमोडिटी के ऊपर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं और यहां पर हम क्वेश्चन नंबर 14 पे अब हम आ चुके हैं। बच्चे क्वेश्चन नंबर 14 क्या है जरा देखते हैं हम। व्हाट हैपेंस व्हेन एमयू एक्स अपॉन पी एक्स इज ग्रेटर देन एमयू एमयू वाई अपॉन पी वाई, क्या होगा जब एमयू एक्स अपॉन पी एक्स इज ग्रेटर देन एमयू वाई अपॉन पी वाई, जब इसे ज्यादा होगा। सबसे पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में आप ये समझ चुके हैं, एक कंज्यूमर की इंटेंशन क्या होती है, एक कंज्यूमर का एम क्या होता है कि उसका जो भी गिवन इनकम है उस गिवन इनकम में उसके पास में जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसके सेटिस्फेक्शन लेवल के, उन सभी ऑप्शन में से उस ऑप्शंस तक जाना जहां पर कंज्यूमर श्योर हो जाए कि उसके गिवन इनकम में ये वो उसको मैक्सिमम सेटिस्फाइड कर रहा है, देन वो फिर उसको परचेज करने का डिसीजन लेता है और उस सिचुएशन को ही हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं। और जब हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी, तो यहां पर भी कंज्यूमर का एम यही है कि उसकी जो भी इनकम है उस इनकम में उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल मिले, इस इनकम में उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल मिले, यहां पर भी इसका एम यही है कि जो उसके गिवन इनकम है उसमें कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल मिले। और यहां पर बट क्या है, आपका कंज्यूमर टू कमोडिटी का कंजम्पशन कर रहा है, तो चलिए ठीक है, कंज्यूमर का एम तो यही है कि कंज्यूमर की जो भी इनकम है वो जो दो कमोडिटी पे उसको एक्सपेंड कर रहा है, बट उन अपने गिवन इनकम में वो इस तरीके से एक्सपेंड करे कि उन दोनों से उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल मिले। तो उसको डिसाइड करना है कि एक कमोडिटी एक्स और एक कमोडिटी मान लेते हैं वाई, उसका कितने कितने यूनिट कंजम्पशन करेगी, बस ये डिसाइड करना है, बट मेन उसका एम यही है कि जो भी उसकी इनकम है उसमें उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल मिले। तो इसके लिए हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 में हमने क्या डिस्कस किया था, यही डिस्कस किया था कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में जब आता है तो उसको गिवन इनकम में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल मिलता तो है, बट ये सिचुएशन की हम आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, इसकी कंडीशंस क्या है, कहां पर हमें मालूम पड़ेगा जी हाँ यहां पे हमारा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल है, वो तो हमने कैलकुलेट कर भी लिया था, बट वो सिचुएशन भी एक होती है जहां पर ऑटोमेटिक हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल मैक्सिमम तक पहुंचता है, उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, उस सिचुएशन की पहचान कैसे करेंगे। उस सिचुएशन की पहचान ये है कि हम आखिरी के 2 कॉइन से, आखिरी के हम बच्चे कितने, आखिरी के हम 2 कॉइन से जो भी हमारी इनकम है लास्ट के 2 कॉइन से
जो हमें सेटिस्फेक्शन लेवल मिल रहा है वो सेटिस्फेक्शन लेवल हमें क्या मिलना चाहिए, इक्वल मिलना चाहिए। तो 1 रुपीस में जितने यूटिल्स आपको मिलता है इसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। तो हमारे पास में 2 कमोडिटी है, एक हमारे पास में एक्स कमोडिटी है, एक हमारे पास है वाई कमोडिटी है। लास्ट के 2 कॉइन से, मतलब कि लास्ट 1 रुपीज से हमारे पास से एक्स से जो सेटिस्फेक्शन लेवल मिला उसको हम कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी इन द टर्म्स ऑफ मनी ऑफ एक्स कमोडिटी, क्योंकि ये 1 रुपीज से मिल रहा है। और जब 5th कॉइन हमने एक्सपेंड करा था तो 5th कॉइन भी हमारा क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, क्योंकि ये भी हमने 1 रुपीज में ही इसको लिया है। दोनों से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ जाता है। अब आपको ये पता भी होना चाहिए कि हम एम यू एम ऑफ एक्स कैसे निकालते हैं। तो बच्चे आप इस चीज को जरा समझिए यहां पर, एम यू एम की फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूं आपको कि एम यू एम क्या होता है। एम यू एम किसे कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी आप कह सकते हैं। मैं बार बार चीजों को रिपीट कई बार कर देता हूं ताकि आप, क्योंकि फ्रेश आपके लिए बिल्कुल इकोनॉमिक्स, तो 1 से 2 बार चीजें रिपीट हो जाए तो अच्छा है हमारी मेमोरी के लिए। मार्जिनल यूटिल इन 1 रुपी इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी इन द टर्म्स ऑफ मनी। क्लियर है बच्चे, ये होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं। मान लीजिए आपने कोई एक एक्स कमोडिटी है, उसका कंजम्पशन करा और उससे जो सर्टिफिकेशन नंबर मिला वो आपका 100 यूटिल्स मिला, ठीक है। और एक आप यहां पर वाई, और इसके प्राइस क्या है, प्राइस आपका यहां पर 20 रुपीज है, ठीक है। तो आपको यहां पर एम यू एम कैलकुलेट करना है, मतलब कि एक्स कमोडिटी का मतलब कि आपको 1 रुपए में कितना सेटिस्फेक्शन लेवल आपको मिल रहा है 1 रुपीज में। तो 20 रुपए में जब आपको 100 यूटिल मिल गया तो 1 रुपए में आपको कितना यूटिल मिल रहा होगा, उस समय 5 यूटिल आपका 1 रुपए में कितने यूटिल पड़ गए, 5 रुपए पड़ गया, तो 1 रुपए में 5 यूटिल। तो जो ये 5 यूटिल है ना, इसी को हम एम यू एम कहते हैं क्योंकि ये 1 रुपए में आपको मिल रहा है। तो बच्चे आप यहां पर एम यू यहां पर आप देखें एम यू एम ऑफ एक्स कमोडिटी कैसे निकालेंगे, तो आप एम यू एक्स अपॉन क्या करेंगे, पी एक्स कर देंगे, 100 यूटिल्स जो कि सर्टिफिकेशन लेवल ऑफ एक्स कमोडिटी था और प्राइस ऑफ दिस, तो आपका क्या आया, 5 आ गया आपका। तो ये स्ट्रक्चर इसलिए अप्लाई होता है आपका, ये बताता है कि 1 रुपीज में कितने सेटिस्फेक्शन लेवल। तो 2 कमोडिटी हमारे पास में एक्स और वाई, तो 1 रुपीज में एक्स से कितने सेटिस्फेक्शन लेवल और 1 रुपीज में वाई से कितना सेटिस्फेक्शन लेवल, दोनों को दोनों क्या होने चाहिए, हमारे इक्वल होने चाहिए। जैसे अगर आप एग्जाम्पल के लिए देखें, अगर आप, तो इक्विलिब्रियम में आने के लिए क्या कंडीशन है, लास्ट 2 कॉइन से जो आपको एक्स कॉमोडिटी एम यू एक्स अपॉन पी एक्स, तो एक्स कॉमोडिटी के 1 रुपीज से इतने यूटिल मिल रहा है और एक वाई कॉमोडिटी के 1 रुपीज से आपको इतने यूटिल्स मिल रहा है। तो लास्ट 2 कॉइन से 1 रुपीज से मिलने वाला सर्टिफिकेशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो कंज्यूमर यहां पर क्या है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में कंज्यूमर आ जाएगा। तो सबसे पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आने के लिए तो यहां पर ये करेगा, ये चीज क्लियर है आपको। कोई डाउट बच्चे यहां पर, अगर कोई डाउट है किसी भी तरीके का तो आप प्लीज इस चीज को आप पूछ ले। क्लियर है, समझ गए बच्चे, कोई डाउट किसी भी स्टूडेंट को हो तो आप पूछें उसको जरूर। तो ये आपके पास में क्या है, ये आपके पास में इक्विलिब्रियम की स्टेज है, ठीक है बच्चे। अब आइए मेरा क्वेश्चन क्या है, वैल्यू बेस्ड, जरा इसको हम समझ लेते हैं। क्लियर है बच्चे, तो यहां पर आप देखें सबसे पहले, और आपको एक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, ये देखिए पहले क्वेश्चन क्या, फिर मैं इस पे आता हूं। व्हाट हैपेंस व्हेन एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज ग्रेटर देन एम यू वाई अपॉन पी वाई, मतलब कि एक्स कॉमोडिटी के 1 रुपीज से जितने यूटिल्स मिल रहा है आपको वो वाई कमोडिटी के 1 रुपीज से जो यूटिल्स मिल रहा है उससे ज्यादा है। तो एक्स का एम यू एम ऑफ एक्स कमोडिटी एंड एम यू ग्रेटर देन इज एम यू एम ऑफ वाई कमोडिटी। एक्स कमोडिटी बच्चे क्या, ये एक्स कमोडिटी
में 1 रुपए से जितने यूटिलिटीज मिल रहा है आपको वो ज्यादा है किससे, वाई वाई कमोडिटी के 1 रुपीज में जितने यूटिल मिल रहा है उससे। तो एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज ग्रेटर देन एम यू वाई अपॉन पी वाई, इट मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी ऑफ एक्स कमोडिटी इज ग्रेटर देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ मनी ऑफ वाई कमोडिटी। क्लियर, आपको इससे ग्रेटर है तो इस सिचुएशन में क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आएगा? तो बच्चे आप जरा बताएं, क्या इस सिचुएशन में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आएगा? नहीं, इस सिचुएशन में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा। इक्विलिब्रियम में आने के लिए क्या कंडीशन है कि लास्ट के टू कॉइन से दोनों कॉमोडिटी के 1 रुपए से जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन लेवल है वो क्या होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। तो कंडीशन ये है, ये सिचुएशन अगर होती तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ जाता। तो सवाल आपसे पूछ रहा है व्हाट हैपेंस, क्या होगा एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज ग्रेटर देन एम यू वाई अपॉन पी वाई। ये तो पता है कंज्यूमर इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, ये बात तो आपको पता है, बट इससे आंसर आपको नहीं देना ना कि कंज्यूमर इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। वो आपसे पूछ नहीं रहा क्या इस कंज्यूमर इज इक्विलिब्रियम, इस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये आपसे पूछ नहीं रहा है, ये आपसे पूछ रहा है क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात तो कंफर्म हो जाती है कि कंज्यूमर इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। क्लियर है? तो क्या होगा इस सिचुएशन में? अब आप देखिए, दो चीजें आप कह सकते हो यहां पर, दो एंगल है। मैं पहला एंगल डिस्कस करता हूं, दोनों एंगल में एक साथ यहां पर डिस्कस आपसे नहीं कर रहा हूं। मैं सबसे पहले यहां पर आपके सामने बच्चे, यहां पर मैं आपके सामने फर्स्ट एंगल लेकर आ रहा हूं। क्लियर है? अब देखिए सबसे पहले यहां पर क्या सिचुएशन आपकी क्रिएट होगी। सिचुएशन नंबर फर्स्ट, एक्स से जो सेटिस्फेक्शन लेवल मिल रहा है 1 रुपीज से वो ज्यादा है जो वाई से सेटिस्फेक्शन लेवल मिल रहा है 1 रुपीज में इसके कंपेटिवली। तो आपके लिए यहां पर दोनों को इक्वल, तो आप पहले एक्स पे फोकस करके मैं पढ़ा रहा हूं, पहला एंगल एक्स कमोडिटी को लेके चलते हैं, दोनों एंगल से देखेंगे, फर्स्ट हम एक्स को लेके चलते हैं। तो एक्स कमोडिटी का अगर आप एंगल देखें यहां पर, तो एक्स से सेटिस्फेक्शन लेवल आपको ज्यादा मिल रहा है 1 रुपीज में कंपेटिवली टू वाई, जबकि दोनों इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल आने के लिए क्या करोगे, अगर आप एक्स पर फोकस करो तो एक्स से तो ज्यादा मिल रहा है सेटिस्फेक्शन लेवल, और हमें वाई के इक्वल लाना है, तो हमें एक्स से सेटिस्फेक्शन लेवल को क्या करना चाहिए, एक्स में अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो एक्स के सेटिस्फेक्शन लेवल को हमें थोड़ा कम करना चाहिए, जिससे कि वो वाई के इक्वल आ जाए, क्योंकि अभी ये वाई से ज्यादा है, इक्वल करने के लिए। अब आपको पता है किसी भी कमोडिटी से मिलने वाले सेटिस्फेक्शन लेवल को हम कम कैसे करते हैं, आपको पता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जब हम किसी भी कमोडिटी का कंजम्पशन कंटिन्यूसली करते चले जाते हैं तो नेक्स्ट यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन लेवल लास्ट यूनिट के कंपेटिवली में फॉल होता है। क्यों? क्योंकि हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल हमारी नीड्स पे डिपेंड करता है। क्लियर है बच्चे? और जैसे ही हम किसी यूनिट का कंजम्पशन करते हैं तो अब हमारी नीड्स पहले के कंपेटिवली कम हो जाती है, इसलिए नेक्स्ट यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन लेवल हमें लास्ट के कंपेटिवली कम देता है। और आपको पता है कि यहां पर अगर आप एक्स पे फोकस कर रहे हो तो आपको एक्स से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन लेवल वाई से ज्यादा है, और दोनों को इक्विलिब्रियम पे आने के लिए क्या होगा, आपको बराबर करना पड़ेगा। तो जो एक्स से जो ज्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल मिल रहा है आपको, उस सेटिस्फेक्शन लेवल को क्या करना पड़ेगा, आपको कम करना पड़ेगा। अब एक्स से जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कम कैसे करेंगे, आप मोर यूनिट का कंजम्पशन करोगे ऑफ एक्स कमोडिटी, एक्स के और यूनिट का कंजम्पशन करना पड़ेगा, जिससे बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी एक्स से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन लेवल लास्ट यूनिट के कंपेटिवली में क्या हो जाए, आपका लास्ट यूनिट कंपेटिवली आपका कम हो जाए। क्लियर है बच्चे? कोई डाउट तो आप पूछ ले। क्लियर है? तो यहां पर एक्स का तो मैंने आपको बता दिया क्या है, एक एंगल तो क्लियर है, क्योंकि प्राइस तो फिक्स है, प्राइस में चेंज तो आप कर ही नहीं सकते। दूसरा वाई का क्या आपके लिए एंगल रहेगा, जरा आइए उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, वाई का एंगल क्या रहेगा उसको भी हम जरा डिस्कस करते हैं। आइए बच्चे, वाई का एंगल क्या रहने वाला है आपका, तो वाई के एंगल में आप देखें कि अगर आप वाई कमोडिटी से जो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल मिल रहा है ये क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है कंपेटिवली टू एक्स। अगर आप वाई पे फोकस कर रहे हैं तो हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आने के लिए एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल्स टू एम यू वाई अपॉन पी वाई करना होगा। इट मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी इन द टर्म्स ऑफ मनी ऑफ एक्स कमोडिटी इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, इस सिचुएशन में पहुंचना पड़ेगा। और आपको पता है कि वाई से जो हमें सेटिस्फेक्शनेबल मिल रहा है ये एक्स के कंपेटिवली क्या कम है, तो कहीं ना कहीं इक्वल करने के लिए अगर आप वाई पे फोकस कर रहे हैं तो वाई के सेटिस्फेक्शन लेवल को क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा उसको बूटस्ट्रैप करना पड़ेगा, उसको थोड़ा आपको अप करना पड़ेगा। अब आपको पता है कि किसी भी यूनिट को जब आप कंजम्पशन करते हैं तो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल आपका हाई कब रहेगा,
आप प्राइस में तो चेंज कर नहीं सकते, आपको तो इस पे चेंज करना है एमयू वाई। एमयू वाई का मतलब क्या हुआ? सेटिस्फेक्शन लेवल फ्रॉम वाई कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटीज। तो आपको वाई जो आप कमोडिटी कंजम्पशन कर रहे हैं उससे सेटिस्फेक्शन लेवल आपको ज्यादा रखना है। और आपको पता है किसी भी यूनिट का, जब आप कोई भी चीज, आपकी कितनी भी फेवरेट क्यों ना हो, जब स्टार्टिंग में अगर आप होते हैं तो उस समय आपका सेटिस्फेक्शन लेवल उससे आपको ज्यादा मिलता है। और जैसे जैसे आप कंटिन्यूसली कंजम्पशन करते चले जाएंगे आगे, तो नेक्स्ट यूनिट से सेटिस्फेक्शन लेवल कम होता है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। तो कहीं ना कहीं वाई का कंजम्पशन क्या होना चाहिए, यहां पर वाई का सेटिस्फेक्शन लेवल मुझे हाई रखना है जिससे कि ये कम है अभी, और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे दोनों को इक्वल करना होगा तभी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आएगा। तो इक्वल करने के लिए अगर वाई पे फोकस करें तो वाई का सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ाना पड़ेगा। और वाई का सेटिस्फेक्शन लेवल कब बढ़ेगा? जब वाई की आप लेस यूनिट का कंजम्पशन करोगे, क्योंकि किसी भी यूनिट से सेटिस्फेक्शन लेवल आपका हाई कब रहता है बच्चे? किसी भी यूनिट से आप बताएं जरा आपका सेटिस्फेक्शन लेवल हाई किस केस में रहता है? जब आप उसके लेस यूनिट का कंजम्पशन करते हो। तो दो वे मैंने आपको बता दिया, एक तो आपका एक्स का मोर कंजम्पशन करें जिससे कम होकर इक्वल हो जाएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आ जाएगा, और एक आप वाई का लेस यूनिट कंजम्पशन करेंगे। दोनों एंगल है, वो कोई भी एंगल आपसे पूछ सकता है, आप दोनों एंगल को एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिपेंड करता है कितने मार्क्स का एग्जाम में ये आया है। 5-5 मार्क्स में आ जाते हैं, आए हुए क्वेश्चन है इसलिए मैंने आपको सामने लिए हैं। तो आइए जरा पढ़ते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन एमयू एक्स अपॉन पी एक्स इज ग्रेटर देन एमयू वाई अपॉन पी वाई? क्या है दिस सिचुएशन? एम्प्लाइज दिस सिचुएशन implies that by spending a rupee on good x, the consumer gets greater marginal utility than in case of good y. x पे जो एक रुपए खर्च कर रहा है उससे ज्यादा satisfaction level मिल रहा है comparatively to y पे जो एक रुपए करके satisfaction level ले रहा है उससे। According He will spend more on x. वो x का, अगर x के ऊपर बात करें तो x के ऊपर और खर्च करेगा, मतलब x को और बाय करेगा, मतलब x का कंजम्पशन कंटिन्यू करेगा जिससे कि x का सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो जाए, कम हो जाए और इक्वल होकर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आ जाएगा। देन y, तो x का कंजम्पशन वो और करेगा, x पर और एक्सपेंड करेगा जिससे कि x से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन लेवल कम होकर के y के इक्वल आ जाए और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ जाए। ये बात क्लियर है? द एज कंजम्पशन ऑफ x राइज एमयू एक्स विल फॉल। जैसे ही हम x का कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो हमारा जो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन लेवल है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी क्या हो जाएगा? फॉल हो जाएगा। तो ये कह रहा है एज कंजम्पशन ऑफ एक्स राइज एमयू एक्स विल फॉल। ऑन द अदर हैंड अ कंजम्पशन ऑफ वाई फॉल्स। और दूसरे हैंड पे देखें, दूसरा वे देखें, अगर आप दूसरे वे को भी जरा समझिएगा, मैंने दोनों वे एक्सप्लेन करें आपको। ऑन द अदर हैंड एज कंजम्पशन ऑफ वाई फॉल्स, हमें वाई का क्या करना चाहिए? y का कंजम्पशन, क्योंकि अगर आप y पे फोकस करते हैं तो आप साफ, आपको दिख रहा है कि y से जो सेटिस्फेक्शन लेवल मिल रहा है आपको 1 रुपीस में, वो x से कंपैटिबली कम मिल रहा है। तो दोनों को इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए दोनों को इक्वल करना पड़ेगा, mu x upon px equals to mu y upon py, और यहां पर y से हमारा क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो y का सेटिस्फेक्शन लेवल हमें क्या करना पड़ेगा? y का सेटिस्फेक्शन लेवल हमें बढ़ाना पड़ेगा, उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। क्लियर है? तो यहां पे क्या कह रहा है? एज कंजम्पशन ऑफ x, ऑन द अदर हैंड एज कंजम्पशन ऑफ y फॉल्स, हमें y का कंजम्पशन जैसे ही हम कम करते हैं तो किसी भी यूनिट का कंजम्पशन अगर हम लेस करते हैं तो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल उस पर्टिकुलर यूनिट से हाई रहता है, और ज्यादा कंजम्पशन करते हैं तो आपका लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी की वजह से कम हो जाता है। तो यहाँ पर y का सेटिस्फेक्शन मुझे हाई करना है जिससे इक्वल हो जाए, तो हाई करने के लिए मुझे इसका लेस कंजम्पशन करना चाहिए। तो यही कह रहा है कि ऑन द अदर हैंड एज कंजम्पशन ऑफ y फॉल्स MU will rise. जैसे ही y का consumption कम करेंगे तो आपका MU y क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। The consumer will stop buying more of x. Clear है ना? और फिर consumer वहाँ पर x का और consumption करना बंद करेगा in place of y. Clear है? Only when this. तो इस केस को हमने explain कर दिया। Clear है बच्चे? किसी भी बच्चे को कोई doubt है तो please आप अपने doubts को जरूर पूछें। Clear है बच्चे? तो आप सभी बच्चे, अभी हमने आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स हमने स्टार्ट किया है जिसका आपके एग्जाम में 40 मार्क्स का वेटेज है, जिसमें चार यूनिट टोटल हैं, जिसमें हमने सबसे पहले यूनिट नंबर 2 कंज्यूमर बिहेवियर स्टार्ट किया है। इसमें बच्चे टोटल 4 चैप्टर हैं, और इसमें सबसे पहला चैप्टर यूटिलिटी है जिसको हमने आज की क्लास में इसको हमने एंड अभी हमने इसका एंड किया है। क्लियर है? तो आप सभी क्लासेस को एक बार देखें,
अच्छे से देखें, कोई डाउट हो तो आप प्लीज उस चीज को आप जरूर पूछा करें, उसमें अच्छे से आप पार्टिसिपेट किया करें। मेरी पूरी कोशिश है आपके 100 out of 100 स्कोर करवाने की। तो जो आपको ई बुक आपको है वो डाउनलोड कर लें आप, और ई बुक को डाउनलोड करके आप इसमें स्टडी करनी शुरू कर दें। उस ई बुक से बाहर आपका पेपर नहीं होगा, ये बात मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस उसमें कवर किए गए हैं और सारे बुक से अलग अलग बुक से कंटेंट कवर किए गए हैं। पिछले 10 से 15 साल के क्वेश्चन पेपर पर रिसर्च कर करके वो ई बुक बनाया गया है। इवन अगर आपको तो ये ट्रस्ट फर्स्ट टर्म के एग्जाम में ही हो जाएगा, आप जो भी पेपर आएगा आप उसको मैच कीजिएगा मेरे ई बुक से, एक एक क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन आपको वही मिलेंगे। इसलिए बच्चे आप ई बुक को पे ही अपना फोकस कर दे। मेरी तरफ से मैंने कोई पर्टिकुलर बुक को रिकमेंडेड नहीं करा है, जो मेरे ई बुक है उस ई बुक से ही आप पढ़ेंगे। और अब आपका जो है ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, अब इस चैप्टर का आपका जो है टेस्ट होगा, एमसीक्यूज में मैं आपके नॉलेज को ऑब्जर्व करूंगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा। क्लियर है? ऑनलाइन टेस्ट कैसे होगा? आपके पास में एक लिंक जाएगा, जिसमें कि टाइम भी सेट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर वो क्वेश्चंस अगर 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है अगर वो, तो क्वेश्चंस होंगे उसके ऑप्शंस भी होंगे वहां पर, आपको ऑप्शन पे आपको टिक करना है, आगे बढ़ेंगे ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, बट टिक करना है, वो मार्क होता रहेगा। और सबसे लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद सबमिट का ऑप्शन आएगा, उसको आप सबमिट कर देंगे। और सबमिट करते ही, जैसे ही आप उस चीज को सबमिट करते हैं, तो अब उसका एक टाइम लिमिटेशन भी होगा, वो मैं आपको 5 मिनट, 15 क्वेश्चन है तो मैक्सिमम 5 to 6 मिनट का टाइम दूंगा आपको। क्लियर है? और जैसे ही आप उसको सबमिट करते हैं, वो रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, 15 में से कितने स्कोर हैं, और मेरे सामने भी वो रिजल्ट आ जाएगा कि आपने क्या स्कोर यहां पर किया है। तो ऐसे टेस्ट के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर करें मंडे के लिए। तो आपके पास में यहां पर एक कल का डे आपके पास में, सैटरडे एंड संडे, 2 दिन आपके पास में। इन 2 दिन में आप अच्छे से पूरी वीडियो को आप रिवाइज कर लें, इसको लर्न कर लें, क्योंकि मंडे को फिर मैं आपका टेस्ट लेने वाला हूं, और फिर मैं आपके उससे पेरेंट्स को आपके मार्क्स को, वो जो पीडीएफ होगी कौन से बच्चे कितने मार्क्स आए, वो मैं आपके पेरेंट्स तक पहुंचाऊंगा। क्लियर है बच्चे? थैंक यू बच्चे, थैंक यू सो मच।